Good morning, student. Welcome to Navya online study channel. Today we will complete last part of the lesson, A Gift of Chappals. इससे पहले जो दो पार्ट मैं डाल चुका हूँ, आई होप आपने अच्छे तरीके से देख लिए होंगे और आपको समझ में आ गए होंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हियर सेट रवि टू द बेगर. अब जैसा कि आपने इससे पहले देखा कि अ गिफ्ट ऑफ चप्पल, यानी एक बैगर होता है जिसके पाँव पे वो निशान देखते हैं कि काफ़ी बड़े बड़े छाले उसके पाँव पे पड़े हुए हैं. तो रवि, मृदु एंड मीना को उस पे दया आ जाती है और वो क्या करते हैं कि उनके घर में, घर के बाहर बरामदे में क्या होते हैं कि एक जोड़ी, एक वन पेयर चप्पल्स, ठीक है, जो कि स्टार्टिंग में हमने स्टोरी में भी पढ़ा था, ब्लैक कलर के वो होते हैं, और वो उसे उन चप्पलों को उठा के वो बैगर को देते हैं. तो देखिए आगे क्या होता है. हियर सेट रवि टू द बैगर. हियर सेट रवि टू द बैगर. बैगर से वो कहता है कि ये लो. ड्रॉपिंग द स्लीपर इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड मैन. ठीक है, ये देखिए. ड्रॉपिंग द स्लीपर, वो जो स्लीपर्स होते हैं, जो चप्पल होते हैं, उनको क्या करता है, ड्रॉप कर देता है, उसके आगे रख देता है, उस ओल्ड मैन के आगे, उस बैगर के आगे. वियर दीज एंड डोंट कम बैक. इन्हें पहनो और दोबारा कभी मत वापस आना. द बैगर स्टेयर्ड एट द स्लीपर्स. वो क्या है, स्लीपर्स को देखता है एकटक हो गए. हरीडली मीन्स होता है जल्दबाजी में, ठीक है. फ्लंग हिज टॉल ओवर हिज शोल्डर. ठीक है, तो वो क्या करता है, जल्दबाजी में अपना जो टॉवल होता है उसे क्या करता है, अपने कंधे में, अपने शोल्डर में रखता है, और क्या करता है, पुश्ड हिज फीट इनटू देम, और अपने पाँव को, अपने जो फीट हैं, उन जो पाँव हैं, उनको क्या करता है, उनके स्लीपर्स के अंदर, मतलब स्लीपर्स पहन लेता है. एंड लेफ्ट मटरिंग अ ब्लेसिंग टू द चिल्ड्रन, और लेफ्ट और चले जाता है. ठीक है, मटरिंग, मटरिंग मीन्स होता है कुछ बड़बड़ाते हुए. क्या बड़बड़ा रहा था, ब्लेसिंग दे रहा था उनको, आशीर्वाद दे रहा था, किनको, बच्चों को. इन अ मिनट ही हैड वैनिश्ड. वैनिश्ड मीन्स होता है गायब हो जाना. ठीक है, वैनिश्ड मीन्स क्या होता है, गायब हो जाना. इन अ मिनट, ठीक है, एक मिनट में वो गायब हो गया. अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट. ठीक है, स्ट्रीट जो गली है उसके कॉर्नर में, कोने से वो क्या हो गया, गायब हो गया, यानी वो वहाँ से चला गया. द म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस. जब म्यूजिक मास्टर, जो लल्ली को क्या सिखा रहा था, म्यूजिक सिखा रहा था, जब वो बाहर आता है म्यूजिक मास्टर, एंड टुक एन अनअप्रिशिएटिव, ठीक है, टुक एन अनअप्रिशिएटिव लुक एट द थ्री ऑफ देम सिटिंग क्वाइटली अंडर द ट्री. और अनएप्रिशिएटली यानी अप्रशंसनीय तरीके से वो उन्हें देखता है. ठीक, किनको, उन तीन जो बच्चे थे, मृदु, मीना और रवि, और वो चुपचाप कहाँ बैठे हुए थे, एक पेड़ के नीचे, प्लेइंग मार्बल्स. मार्बल मीन्स होता है कंचे, और वो क्या खेल रहे थे, कंचे खेल रहे थे. देन ही सर्च्ड, तब उसने फिर क्या किया, ढूंढना शुरू किया, सर्च किया फॉर ही चप्पल, अपने चप्पल्स को. इन द वरामदा, कहाँ, वरामदे में. वेयर ही हैड पुट देम, जहाँ उसने उन्हें रखा था. अब आपकी बात समझ में आ गई होगी कि जिन चप्पलों को और ढूंढ रहा था, जो जिन चप्पलों को रवि, मीना, मृदु ने उस बैगर को दे दिया था, वो किसी और के नहीं, बल्कि वो किसके थे, म्यूजिक मास्टर के थे. लाली ही कॉल्ड, उसने आवाज़ दी. आफ्टर अ फ्यू मिनट, सॉरी, आफ्टर अ फ्यू मोमेंट, कुछ क्षण में, ठीक है, कुछ क्षण के बाद उसने क्या करा, लाली को आवाज़ दी. जब उसने ढूंढा, सी हरीड अप टू हिम, वो जल्दी से आई उसके पास. हैव यू सीन माई चप्पल्स, क्या तुमने मेरे चप्पल देखे. माई डियर, माई डियर, क्या तुमने मेरे चप्पल देखे. आई रिमेम्बर्ड हैविंग कैप्ट देम हियर, मुझे याद है कि मैंने उन्हें यहीं
उतारा। रवि मृदु एंड मीना साइलेंटली वॉच्ड, रवि मीनू एंड मीना साइलेंटली, वो तीनों साइलेंटली मीन्स चुपचाप, वॉच्ड उन्होंने देखा चुपचाप लाली लाली को, एंड द म्यूजिक मास्टर और म्यूजिक मास्टर को सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द वरामदा, जो वरामदे के प्रत्येक कोने को क्या कर रहे थे, ढूंढ रहे थे। ठीक, ही स्क्रीड अराउंड, ठीक है, अब स्क्रीड मीन्स होता है जल्दी जल्दी, जल्दबाजी में, वो बहुत जल्दबाजी में अराउंड इधर उधर लुकिंग देख रहे थे, ओवर द रेलिंग, रेलिंग के ऊपर, एंड क्राउचिंग नियर द फ्लावर पेड, क्राउचिंग मीन्स क्या होता है, बेंड, झुकना। ठीक है, इन जो भी मैं वर्ड इस तरीके से नए वर्ड आ रहे हैं इनको आप ज़रूर याद रखना, क्राउचिंग होता है बेंड होना या झुकना, नियर द फ्लावर पेड, फ्लावर पॉट्स, जो फ्लावर के जो पॉट थे, ठीक है, उनके नज़दीक वो झुक के देख रहे थे, टू लुक बिटवीन देम, उनके बीच में देख रहे थे, ब्रांड न्यू दे वर, और उसने क्या बोला कि वो बिल्कुल ब्रांड न्यू थे, किसने बोला ऐसा, म्यूजिक मास्टर ने बोला कि वो जो चप्पल थे वो क्या थे, ब्रांड न्यू थे, आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाय देम, यहाँ तक कि मैं उनके लिए कहाँ गया, माउंट रोड गया उनको खरीदने के लिए, ही वेंट ऑन सेइंग, और वह बोलते गया, दे कॉस्ट अ होल मंथ ऑफ फी, और उनकी जो कीमत है वो कितनी है, जितने की एक महीने की फीस उसे मिलती है, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, सून जल्द ही, लाली वेंट इन टू टेल हर मदर, वो गई अपनी माँ को बताने के लिए, रुकुमनी अपीयर्ड, अब रुकुमनी जो है वो दिखाई दी, यानी वो बाहर आई, लुकिंग हैरेस्ट, ठीक है, वो बहुत हैरेस्ट मीन्स होता है परेशान, वो बहुत परेशान दिख रही थी, ठीक है, हैरेस्ट मीन्स क्या होता है, परेशान, विथ पाती, पाती फॉलोइंग हर, और पाती क्या कर रही थी, उसको फॉलो कर, यानी उसके पीछे पीछे पाती भी आई, वेयर कुड दे बी, वे कहाँ जा सकते हैं, इट इज़ रियली क्वाइट अपसेटिंग, यह वास्तव में क्या है, बहुत ही अपसेटिंग है, ठीक है, ये बहुत ही दुखदाई है, टू थिंक, ऐसा सोचना, समवन माइट हैव स्टोलन देम, कि किसी ने उन्हें चुरा लिया है, स्टोलन मीन्स क्या होता है, चुराना, समवन किसी ने, सो मैनी वेंडर्स कम टू द डोर, इसलिए सो मैनी वेंडर, बहुत से वेंडर होते हैं, वेंडर क्या होता है, जो कुछ ना कुछ बेचने घरों में आते हैं, तो ऐसे बहुत सारे वेंडर दरवाजे पर आते हैं, वरीड पाती, ठीक है, पाती भी क्या थी, चिंतित थी, परेशान थी, रुकुमनी कॉट साइट ऑफ रवि, जब उसने रवि की साइट देखा, रवि और मीना मृदु जहाँ तीनों बैठे थे, मृदु एंड मीना सिटिंग अंडर द ट्री, कहाँ बैठे हुए थे, पेड़ के नीचे, हैव यू चिल्ड्रन, क्या तुमने बच्चों, ठीक है, यानी वो क्वेश्चन कर रही है, क्या तुमने बच्चों, पूरा क्या पूछ रही है, क्या तुमने उन्हें, क्या तुमने देखा, सी बिगेन एंड देन, उसने शुरू किया, एंड देन, और तब सीइंग देवर, तब वो दिख रहे थे, क्या दिख रहे थे, चलिए देखते हैं आगे, क्यूरियोसली, ठीक है, क्यूरियोसली क्वाइट, यानी वो बिल्कुल शांत दिख रहे थे, वेंट ऑन मोर स्लोली, वो उनकी तरफ गई बहुत धीरे धीरे, सीन एनी वन लर्किंग अराउंड द वरांदा, अब लर्किंग क्या होता है, छिपा होना, ठीक है, क्या तुमने किसी को, क्या बोल रही है कि क्या तुमने सीन एनी वन, क्या किसी को तुमने देखा, वरांदे के चारों ओर कहीं पे भी किसी को छुपे हुए ऐसे कुछ देखा, अ शार्प वी शेप्ड लाइन हैड फॉर्म्ड बिटवीन हर आईब्रो, एक वी शेप्ड की लाइन जो है उनके आईब्रो के बीच में
साफ दिख रही थी। वो कि वी शेप की लाइन क्यों थी? क्योंकि वो टेंस थी, परेशान थी। अनदर स्ट्रेट, और दूसरी स्ट्रेट। टाइटर वन अपीयर्ड इन अ प्लेस ऑफ हर यूजुअली सॉफ्ट प्लीजेंट माउथ, ठीक है। और टाइटर जो दूसरी जो स्टेट थी, टाइटर वन अपीयर्ड, और एक जो है टाइटर टाइट लाइन जो है दिखाई दे रही थी उनके माउथ पे, प्लीजेंट माउथ जो कि हमेशा खुश रहने वाला जो एक फेस था उस पे, माउथ पे क्या थी, एक स्ट्रेट लाइन, एक टाइट लाइन भी दिख रही थी। यानी वो भी किसकी थी? टेंशन और कहीं ना कहीं थोड़ा सा एंग्री, गुस्से की लाइन थी। रुक्मणी वॉज एंग्री, देखो अब आ गया कि रुक्मणी क्या थी, बहुत गुस्से में ही थी। थॉट मृदु विथ अ सीवर, ठीक है। अब क्या हुआ? थॉट मृदु विथ अ सीवर, मृदु जो है सीवर मीन्स होता है कांपना, मृदु क्या रही थी? कांप रही थी। सी वुड नॉट बी सो अपसेट इफ सी न्यू अबाउट द पुअर बेगर विथ सोर्स ऑन हिज फीट, सी ट्राई टू टेल हर्सल, ठीक है। अब सोर मीन्स होता है घाव, ध्यान रखना सोर मीन्स क्या होता है? घाव। तो क्या हुआ कि अब मृदु ने यह सोचा कि इफ सी न्यू, यदि उसे पता चले अबाउट द पुअर बेगर, उस गरीब भिखारी के घावों के बारे में, अगर उसके जो पाँव पे घाव बने हुए थे उसके बारे में अगर पता चले, तो क्या होगा कि सी वुड नॉट बी अपसेट, वह शायद क्या होगी, वह अपसेट नहीं होगी, ठीक है। ऐसा किसने सोचा? किसने सोचा? मृदु ने। सी ट्राइड टू टेल हर्सल, अब उसने कोशिश की उन्हें बताने की। मृदु को यह समझ में आ गया कि अगर मैं उस बैगर के की प्रॉब्लम के बारे में अगर बता दूं तो शायद वो अपसेट नहीं होंगी। टेकिंग अ डीप ब्रीथ, एक गहरी सांस लेने के बाद, ठीक है, उसने क्या लिए? गहरी सांस ली। सी क्राइड, वह चिल्लाई, ठीक है, जोर से, रुक्मणी देयर वॉज अ बैगर हियर, यहाँ एक क्या था? बैगर आए, बैगर था। पुअर थिंग ही हैड सच बॉयल ऑन हिज फीट, ठीक है। उस मतलब एक बहुत अजीब बात क्या थी कि उसके पाँव में क्या थे, वो क्या हो गए थे? छाले बढ़ गए थे। सो सेड रुक्मणी, रुक्मणी का तो ग्रिमली, ग्रिमली मीन्स होता है क्या होता है? कठोरता से, स्टर्नली एक वर्ड आया है, तो ग्रिमली जो है उसी का क्या है? सिनोनिम है। सिनोनिम किसका है? स्टर्नली का, ग्रिमली। तो उसने क्या किया, काफ़ी कठोरता से रुक्मणी ने कहा। तो टर्निंग टू रवि, वो रवि की तरफ टर्न होती है। यू गेव द मो म्यूजिक मास्टर चप्पल टू दैट ओल्ड बैगर हु टर्न अप हियर, ठीक है। तो क्या तुमने वो जो म्यूजिक मास्टर के जो चप्पल थे वो उस बैगर को दे दिए? चिल्ड्रन दीज डे ग्रोंड पाती, ठीक है, ग्रोंड मीन्स होता है, क्या होता है ग्रोंड मीन्स? शिकायत, कंप्लेन। तो उसने क्या की, पाती ने कंप्लेन की, चिल्ड्रन दीज डे यानी आजकल के बच्चे, ठीक है। अम्मा Did not you tell me about Karna who gave away everything he had? क्या तुमने मुझे नहीं बताया कर्ण के बारे में, जिसने सब कुछ दे दिया था, everything he had, जो भी उसके पास था, even his gold earring, यहाँ तक कि अपने सोने के कुंडल भी। He was so kind and generous, और वो क्या था? बहुत दयालु था। क्या था? बहुत काइंड हार्टेड था, ऐसा आपने बताया हमें। सिली, मूर्ख, स्नैप्ड रुक्मणी, ठीक है। तो स्नैप्ड मीन्स क्या होता है? चिल्लाना, शाउटिंग, वो चिल्लाई कौन? रुक्मणी। कर्ण डिड नॉट गिव अवे अदर्स पीपल थिंग, ही ओनली गिव अवे हिज ओन, उसने कभी भी दूसरे लोगों की, अदर पीपल, दूसरे लोगों की थिंग्स, चीज़ें, उसने दूसरे लोगों की चीज़ें नहीं दी। ही ओनली गिव, इसने सिर्फ वही दिया जो उसके पास था, जो उसका अपना था।
बट माई चप्पल्स वुड नॉट हैव फिटेड द बेगर फीट। अब वो कह रही है लेकिन मेरे जो चप्पल थे वो तो उस पर फिट आ ही नहीं रहे थे। रवि रश्ड बार्सली ऑन, ठीक है, बार्सली मीन्स होता है, क्या होता है, बोल्डली, बिना डरे, रवि रश्ड, रवि ने बिना डरे जल्दी से वो बोला, एंड अम्मा इफ दे डिड फिट वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड, क्या वो चप्पल, अगर हमारे चप्पल उस पर फिट आ जाते तो क्या आप रियली वास्तव में क्या माइंड नहीं करती। रवि सैड रुक्मणी वेरी एंग्री नाउ गो इनसाइड दिस मिनट। अब रुक्मणी ने गुस्से से बोला कि तुरंत जो है कहाँ चले जाओ, इनसाइड, अंदर चले जाओ। सी हरीड इनडोर एंड ब्रॉट आउट गोपू मामास हार्डली वॉर, वो हरीड मीन्स जल्दीबाजी में, इनडोर अंदर गई, ब्रॉट ले आई, गोपू मामास हार्डली वॉर न्यू चप्पल, जो अभी अभी गोपू मामा ने नए चप्पल खरीदे थे, ठीक है, उन चप्पलों को वो क्या कर, वो जो है रुक्मणी क्या ले आई, बाहर ले आई। दीज शुड फिट यू, ये आप पे फिट आने चाहिए सर, प्लीज़ पुट दिस ऑन, सर आप इन्हें पहन लीजिए। आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कीजिए, माई सन हैज़ बीन वेरी नटी, मेरे जो मेरा माई सन है, जो मेरा लड़का है वो बहुत क्या है, नॉटी है, बहुत नटखट है। द म्यूजिक मास्टर्स आइस लिट अप, और जो म्यूजिक मास्टर की जो आंखें थी वो लिट अप, चमक गई, क्यों चमक गई, क्योंकि उसकी, आपको पता है कि उसकी जो चप्पलें थी वो काफ़ी क्या थी, जर्जर अवस्था में थी, काफ़ी ख़राब अवस्था में थी, लेकिन यहाँ अब उसको क्या मिल गई थी, नई चप्पल मिल गई थी। ही पुट देम ऑन ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी, उसने ये कोशिश की कि वो उसे बहुत ज़्यादा उससे खुशी नहीं मिली, वो ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा था। वेल ठीक है, आई सपोज, मुझे लगता है दीज विल हैव टू टू, यानी मुझे अब क्या है इसी से काम चलाना पड़ेगा, ऐसा उसने कहा। दीज डे चिल्ड्रन हैव नो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर, आजकल जो है बच्चे जो है वो बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करते, व्हाट टू डू, क्या करें। हनुमान इनकार्नेट, ठीक है, हनुमान इनकार्नेट मीन्स होता है बिल्कुल हनुमान की तरह, या जिसको हम बोलते हैं साक्षात हनुमान जी, साक्षात भगवान, तो व्हाट टू डू, हम क्या, मैं क्या, व्हाट टू डू, क्या करें, साक्षात हनुमान जी, ओनली रामा कैन सेव सच अ नॉटी फेलो, सिर्फ राम ही बचा सकता है ऐसे नटखट बच्चों से। रुक्मणी आइस फ्लैश्ड, अब जो रुक्मणी की जो आंखें थी वो उनमें क्या आ गई, चमक आ गई। सी डिड नॉट सीम टू लाइक रवि बीइंग कॉल्ड अ मंकी, वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि जो है वह उसे, रवि को क्या बोले, मंकी बोले, चाहे इवन अ होली मंकी, चाहे वो पवित्र बंदर ही क्यों ना हो, पवित्र बंदर यानी भगवान हनुमान से बात आ गई। सी स्टूड स्टिल एंड स्ट्रेट बाय द फ्रंट डोर, सी स्टूड, वह खड़ी हो गई, ठीक है, वह खड़ी हो गई स्टिप, ठीक है, वह बहुत ही क्या कहते हैं स्टिप, काफ़ी मतलब स्ट्रेट, काफ़ी गुस्से से स्टूड खड़ी हो गई, एंड स्ट्रेट बाय अपने दरवाजे के फ्रंट में आगे। इट वॉज क्लियर, यह क्लियर है, सी वॉन्टेड हिम टू लीव क्विकली, कि वह चाहती थी कि वह अब जल्दी से यहाँ से चला जाए। वैन ही हैड क्लैटर्ड ऑफ इन हिज न्यू चप्पल, ठीक है, अब वह क्या कह रही है कि वैन ही हैड क्लैटर्ड ऑफ इन हिज न्यू चप्पल, जब वह क्लैटर्ड ऑफ मीन्स होता है आवाज़ करते हुए जाना, जब वह उन नई चप्पलों से आवाज़ करते हुए जा रहा था। सी सेड, उसने कहा, मृदु, किसने कहा, रुक्मणी ने, मृदु कम इन, अंदर आओ, एंड हैव सम टिफन, ऑनेस्टली हैव सम टिफन, उसने कहा कि अपना ये टिफिन लो, ऑनेस्टली ईमानदारी से, हाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच थिंग, अब वो पूछेगी ईमानदारी से बताओ, हाउ डू यू चिल्ड्रन, कैसे बच्चों थिंक ऑफ सच थिंग्स, ठीक है, आपने इस तरह की चीज़ें कैसे सोची, कैसे आपके दिमाग में बात आई।
Thank God, your Gopu Mamas does not wear his chappal to work. ठीक है, thanks God, भगवान का धन्यवाद कि आपके जो गोपू मामा हैं does not wear, वो नहीं पहनते हैं अपनी चप्पल को to work, काम पे, जब वो काम पे जाते हैं. As she walked toward the kitchen, जब वो किचन की तरफ जा रही थी with Mirdu and Meena, Mirdu और मीना के साथ, she suddenly began to laugh, उसने अचानक हंसना शुरू कर दिया. But लेकिन he always in such a hurry to throw off his shoes and socks. लेकिन he always, he यानी गोपू मामा, always हमेशा such a hurry, वो इतनी जल्दी में होते हैं कि throw off, वो फेंकते हैं अपने shoes और socks को and get into his chappals, और अपने चप्पल पहन लेते हैं. As soon as he comes home, जैसे वो घर आते हैं तो क्या करते हैं कि अपने जल्दबाजी, बहुत जल्दी से अपने शूज और सॉक्स को क्या कर देते हैं, फेंकते हैं और अपने चप्पल पहन लेते हैं. ऐसा बोलते हुए रुक्मणी क्या कर रही है, हंस रही है. व्हाट इज योर मामा गोइंग टू से दिस इवनिंग, ठीक है, व्हाट इज योर मामा गोइंग टू से दिस इवनिंग, अब आपकी मामा इस शाम को क्या करेंगे. व्हेन, जब I tell him, जब मैं उन्हें बताऊंगी, I gave his चप्पल to the music master, कि मैंने जो उनके जो चप्पल हैं वो किसको दे दिए हैं, म्यूजिक मास्टर को दे दिए हैं, तो उन्हें कैसा फील होगा. ऐसा बोलते हुए वो हंस रही है, ठीक है, ऐसा वो सोच रही हैं. तो ये हमारा चैप्टर बच्चों कंप्लीट हो गया है. आई होप इसमें मैंने कोशिश की है कि जो भी ऐसे टफ वर्ड हैं उनके मीनिंग मैंने बताने की कोशिश की है. राइट डाउन ज़रूर कीजिए, बिना राइट डाउन के जो है, अगर आप राइट डाउन इनको नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आप इन्हें फिर से दिमाग से वो क्या हो जाती हैं, स्लिप हो जाती हैं. तो चलिए कॉम्प्रिहेंशन चेक में हम जो ये क्वेश्चन देख रहे हैं इन क्वेश्चनों को भी आज कंप्लीट कर लेते हैं. तो पहला क्वेश्चन है कॉम्प्रिहेंशन चेक में, द म्यूजिक मास्टर इज मेकिंग लवली म्यूजिक. रीड अलाउड द सेंटेंस, सेंटेंस को पढ़िए जोर से और अपने जो एक्सप्रेस आइडियाज, आइडिया को एक्सप्रेस कीजिए, व्यक्त कीजिए. तो आंसर है द म्यूजिक मास्टर नोट्स, म्यूजिक मास्टर के जो नोट्स थे, सुर थे, किसके, मेलोडी के, संगीत के, सीम टू फ्लोट अप द सेटल परफेक्टली, वो ऐसे फ्लोट अप हो रहे थे परफेक्टली, पूर्ण रूप से, किस पे, एक इनविजुअल ट्रैक पे. सेकेंड क्वेश्चन है, हैड द बेगर कम टू रुक्मणीज हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम, क्या वो पहली बार आया था भिखारी उनके घर पे, गिव रीजन फॉर योर आंसर. तो चलिए आंसर में आपको पता है कि नहीं, वो पहली बार नहीं आया था बल्कि वो पूरे सप्ताह से आ रहा था. तो द बैगर हैज़ बीन कमिंग टू रुक्मणीज हाउस फॉर लास्ट वन वीक, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है. द बैगर हिमसेल्फ कन्फर्म दिस सेइंग दैट ही हैज़ सर्वाइव्ड फॉर अ वीक बिकॉज ऑफ रुक्मणीज काइंडनेस. तो पूरे हफ्ते वो किस, कैसे उसने सर्वाइव किया, रुक्मणी की काइंडनेस पे, ठीक है, दया पे. थर्ड है, अ शार्प वी शेप्ड लाइन हैड formed between her eyebrow, ठीक है, लास्ट में आपने देखा था कि एक वी शेप्ड की लाइन का जिक्र हुआ था जो रुक्मणी की आईब्रो पे दिख रहा था. What does it suggest to you about रुक्मणी's mood? तो इससे क्या आपको लगता है कि रुक्मणी का जो मूड था वो कैसा था. तो आंसर है, द वी शेप्ड लाइन सजेस्ट दैट रुक्मणी's was, रुक्मणी was very angry, वो बहुत गुस्से में थी, and was about to lose her temper on the children, और वो जो क्या हो रही थी बच्चों पर, क्या हो रहा था उसका जो temper था वो क्या हो रहा था, यानी वो बहुत उनसे क्या हो रही थी, क्रोधित थी, बहुत गुस्से में उन पे थी, ठीक है. तो ये हमारे comprehension check के तीनों question हो गए हैं. इसके अलावा जो working with textbook है वो आप स्वयं कीजिए, क्योंकि उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन या जो भी फिलअप हैं वो इस तरीके से हैं कि आप जैसे अपनी बुक देखोगे तो उसमें से उनको कंप्लीट करना है,
तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होने चाहिए जिनका आंसर निकालने की हैबिट भी आप लोगों को होनी चाहिए, तो वो आप लोग उन्हें कीजिए। और ये लेसन हमारा आज यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट लेसन पे काम करेंगे। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।